हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज की जो बड़ी खबरें हैं उनके बारे में, साथ में आपको मैं बता दूं निफ्टी बैंक के जो लॉट साइज चेंज हुआ है उसके बारे में भी, और यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट्स आए हैं Q1 के, अशोक लेलैंड के, रिलायंस इंडस्ट्रीज के, हिंदुस्तान जिंक, DLF और JSW इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए हैं। तो इनके रिजल्ट्स किस प्रकार के आए हैं, कौन से रिजल्ट्स अच्छे खासे रिजल्ट्स हैं जिनके अंदर आपको फोकस करना चाहिए, तो डिटेल वीडियो है, पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। और रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको न्यूज़ से अपडेट मिलता है, आप हमसे वहाँ पे सवाल भी पूछ सकते हो, आपको ट्रेड भी दिया जाता है। तो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूज़ कौन सी है, न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो न्यूज़ है कि आज से FNO बैंक निफ्टी के लोड साइज में, जो यहाँ पे 25 का लोड साइज था पहले, वो 15 हो चुका है, और यहाँ पे आज 21 जुलाई है और आज 21 जुलाई से ये इफेक्टिव हो चुका है। अब आप जब भी ऑर्डर डालने जाओगे, आप चाहे बैंक निफ्टी के फ्यूचर में डालना ऑर्डर डालने के लिए जाओ या फिर इसके ऑप्शंस में जाओ, आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि ये 15 की क्वांटिटी के मल्टीपल में ही आएगा, ठीक है। तो ये अब 15 की क्वांटिटी के अंदर हो चुका है। अब आप इसका फ्यूचर जब भी लोगे तो लगभग पहले ये 1,00,000-1,25,000 रुपए के अंदर इसका फ्यूचर आता था, अब 75,000 के करीबन ही आप ले सकते हो, तो मार्जिन भी कम यहाँ पे जरूरत पड़ने लगी है। तो ये मैंने आपको अपडेट दे दी है कि ये आप देख सकते हो इसका जो लोड साइज है वो 15 का ही है। अब दूसरी जो न्यूज़ है, लार्सन एंड ट्यूब्रो LNT, ये क्या कर रहा है, इसने कहा है कि मैं बाईबैक करना चाहता हूं, यानी कि खुद के कंपनी के शेयर ही खुद कंपनी के प्रोमोटर खरीद रहे हैं, तो इससे कंपनी के अंदर है वो जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो डेवलप होता है। तो इस वजह से आप देखोगे कि LNT है वो बहुत अच्छा यहां पे आज चला भी है, तो इसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर भी ग्रोथ आपको दिख रही है। आपको बता दूं कि 25 जुलाई को बाईबैक पर फैसला आ जाएगा कि एक्चुअल में ये करने वाले हैं या नहीं करने वाले, करेंगे तो कितने करोड़ रुपए का या कितने शेयर्स का करने वाले हैं, उसकी रिकॉर्ड डेट क्या होगी, तो वो आगे आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे। तो ये देखना होगा कि एक्चुअल में करेंगे या नहीं करेंगे, अगर नहीं करने की कोई चीज़ आती है तो वहाँ से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे 25 जुलाई तक देखना है, यानी ट्यूसडे तक देखना है। अब यहाँ पे जो रिजल्ट सेक्शन है वो शुरू होता है, तो सबसे पहला जो रिजल्ट है वो बता देता हूँ अशोक लेलैंड का, और अशोक लेलैंड का रिजल्ट है वो बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट आया है, इसको बोलते हैं तोड़फोड़ रिजल्ट्स, ठीक है। अब हर सेगमेंट के अंदर इसने बहुत अच्छी ग्रोथ की है, इसका यहाँ पे रिजल्ट के अंदर देखोगे तो प्रॉफिट है वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट यहाँ पे 576 करोड़ रुपये के करीबन आया है, ठीक है। अब 576 करोड़ ये यहाँ पे जो एस्टिमेशन है वो JSW का लगा हुआ है, इसको आपको नहीं देखना है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 576 करोड़ रुपए, यानी कि जो परसेंटेज के अंदर देखोगे तो कितना इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। पिछले क्वार्टर के अंदर 68 करोड़ रुपए के करीबन ही था सेम ईयर के अंदर, ठीक है, ये YOY यानी ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन है, सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, ठीक है, 68 करोड़ रुपए था, अभी ये आप देखोगे तो 576 करोड़ रुपए हो गया है, 800% यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया है, 8 times यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। रेवेन्यू की बात करोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू भी इसका 13.5% इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रेवेन्यू 13.5% इंक्रीज हो गया है, अभी जो रेवेन्यू है 8152 करोड़ रुपए है आया है, पहले 7189 करोड़ था। एबिटा भी देखोगे तो 10% यहाँ पे आया है, 821 करोड़ रुपए करीबन, तो ये एबिटा भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आया है, तो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं। इनका गाइडेंस भी है वो भी अच्छा है कि ये अच्छे ग्रोथ करने वाले हैं हर सेगमेंट के अंदर, LCV MCV सारे जो यहाँ पे हैं, और इन्होंने एक अच्छा वाला एक पता नहीं कौन सा ट्रक है वो निकाला है मॉन्स्टर टाइप का, तो वो भी इसका काफ़ी ज़्यादा बिक्री हो रही है, तो वो भी एक इसकी ग्रोथ के लिए अच्छा साबित हो रहा है। जो दूसरे नंबर का रिजल्ट है वो है JSW स्टील के अंदर देखोगे तो इसका जो रिजल्ट है वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ समस्या इसके अंदर आ रही है, इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग क्यों हुई है, समस्या इसके अंदर यहाँ पे आ रही है कि जो क्रूड ऑयल है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे कॉस्ट है वो बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, जो इनका रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे बढ़ा हुआ आ रहा है। अब आप इनका कंपेरिजन करके देख सकते हो कि JSW है उसका यहाँ पे रेवेन्यू है वो 38,394 रुपए के करीबन मान के चल रहे थे,
तो यहाँ पे रेवेन्यू है वो 38,086 करोड़ रुपए के करीबन आया है। प्रॉफिट ये मान के चले थे 1160 करोड़ रुपए के करीबन आएगा, उसके मुकाबले यहाँ पे प्रॉफिट है वो 2428 करोड़ रुपए आया है, 189% है वो पिछले सेम क्वार्टर के अंदर, लास्ट ईयर के अंदर 839 करोड़ था उसके मुकाबले 2428 करोड़ रुपए आया, तो प्रॉफिट है वो जबरदस्त है। यहाँ पे जो रेवेन्यू है, सॉरी यहाँ पे रेवेन्यू ये वाला नहीं है, ये रेवेन्यू नहीं है, ये लास्ट ईयर रेवेन्यू था, ठीक है। अभी जो रेवेन्यू आया है 42,213 करोड़ रुपए करीबन आया है, मार्केट मान के चल रहा था 38,394 करोड़ रुपए करीबन, तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो गया है। एबिटा देखोगे तो यहाँ पे 7,046 करोड़ रुपए आया है, मार्केट मान के चल रहा था 5,000 करोड़ रुपए करीबन ही, तो एबिटा भी 16% यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो आप हर तरीके से रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसके कोई समस्या नहीं है। फिफ्थ नंबर के जो यहाँ पे रिजल्ट्स देख लेते हैं, फिफ्थ नंबर की न्यूज़ में अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट्स को हम क्या बोलेंगे, ओके टाइप के रिजल्ट्स बोलेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे वाले नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा खराब नहीं बोलेंगे। और मैंने आपके आपको बताया भी था कि ये सेक्टर लीडर है, तो इसी प्रकार की सारी कंपनियों के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। प्रॉफिट राइज किया है ईयर ऑन ईयर 7% के करीबन, 1688 करोड़ रुपये प्रॉफिट आया, जबकि मार्केट मान के चल रहा था 1617 करोड़ रुपये के करीबन। यहाँ पे मैंने आपको बताया 7% इंक्रीज हो गया है, पिछले क्वार्टर से आप कंपैरिजन करोगे तो 1584 करोड़ रुपए यहाँ पे था, उसके मुकाबले 1688 करोड़ इस क्वार्टर के अंदर आया था, पिछले साल सेम क्वार्टर की बात ही है। रेवेन्यू की बात करोगे तो रेवेन्यू है 17% इंक्रीज हो गया है, रेवेन्यू कितना आया है यहाँ पे 17,337 करोड़ रुपए, मार्केट मान के चल रहा था 17,034 करोड़ रुपए, तो इस तरीके से भी देखोगे तो यहाँ पे भी रेवेन्यू है वो इंक्रीज होके आया है। जो इनकी डोमेस्टिक सेल है वो कितनी इंक्रीज होके आई है, 20% इंक्रीज होके आई है, और ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना कर रहे हैं, यानी कि प्लांट्स हैं उनको कितनी कैपेसिटी के ऊपर यूज ले रहे हैं, 89% के करीबन, तो 100% पे अभी भी ये यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, तो अभी इनके पास स्कोप है, ये अगर बढ़ाना चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं। मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था उससे यहाँ पे अच्छे खासे रिजल्ट्स हैं, ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का सा आप देखोगे तो ये लास्ट ईयर की मुकाबले हल्का सा ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो गया है, लेकिन अच्छे खासे रिजल्ट्स हैं, इसको अच्छे भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सिक्स नंबर का जो यहाँ पे रिजल्ट आया है वो DLF है, DLF इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे रियल्टी की जो रियल्टी सेक्टर है उसके अंदर यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं। प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे 527 करोड़ रुपया है, यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर देखोगे तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के अंदर 470 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, 12% है वो यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज होके आया है, मार्केट मान के चल रहा था 617 करोड़ रुपए का। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो 1423 करोड़ रुपए यहाँ पे एक्चुअल में आया है, ठीक है, 1442 करोड़ था ये जो यहाँ पे आया था पिछले क्वार्टर के अंदर, तो यहाँ पे रेवेन्यू है 1.3% डाउन होके आया है, मार्केट मान के चला था 1612 करोड़ के करीबन। कंसोलिडेटेड एबिटा है वो आप देखोगे 396 करोड़ के करीबन आया है, और यहाँ पे एक्चुअल मार्केट मान के चला था 515 करोड़ रुपए के करीबन, और सेम क्वार्टर के अंदर लास्ट ईयर 413 करोड़ था, तो वहाँ पे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लो, ईयर ऑन ईयर देख लो, सभी तरीके से कमज़ोर रिजल्ट हैं इसके, कोई बड़े तोड़फोड़ रिजल्ट्स नहीं है, कमज़ोर ही रिजल्ट्स हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हिंदुस्तान जिंक के रिजल्ट्स, हिंदुस्तान जिंक के रिजल्ट्स को हम बोलेंगे ओके टाइप के, इनके अंदर भी यहाँ पे माइनिंग जो कॉस्ट है या यहाँ पे इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ के आ रही है, लेकिन रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे कमज़ोर रिजल्ट्स हैं, जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था उसके हिसाब से तो ठीक ठाक है, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि इनका जो प्रॉफिट है वो 1964 करोड़ रुपए करीबन आया है, मार्केट 1936 करोड़ मान के चल रहा था, और एबिटा इनका 3232 करोड़ रुपए मार्केट मान के चल रहा था, उसके मुकाबले 3347 करोड़ था, ठीक है, मतलब एक्चुअल में आया है। लेकिन यहाँ पे इनका अगर आप ईयर ऑन ईयर है वो कंपैरिजन करके देखोगे तो प्रॉफिट के अंदर 36% गिरावट हुई है, रेवेन्यू में 22% गिरावट हुई है, एबिटा में 34% गिरावट हुई है, और मार्जिन्स के अंदर यहाँ पे गिरावट हुई है लगभग 8% की। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये रिजल्ट्स हैं वो खुद के ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करके देखोगे तो कमज़ोर है, लेकिन मार्केट ही कमज़ोर मान के चल रहा था, लेकिन मार्केट जितने कमज़ोर मान के चल रहा था उनके मुकाबले अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ जितने भी रिजल्ट्स मैंने आपको बताए वो सब कुछ समझ में आ गया होगा, न्यूज़ मैंने आपको बताई वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब, सॉरी ये एक और रिजल्ट रह गया है रेवेन्यू, सॉरी ये रिलायंस इंडस्ट्री का, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर भी सिर्फ जियो ने यहाँ पे रिजल्ट्स पेश किए हैं, तो जियो के रिजल्ट्स भी आप देखोगे तो यहाँ पे हर तरीके से जियो के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे खासे, मार्जिन 52% इंक्रीज हो गया है, एबिटा है वो यहाँ पे 12,578 करोड़ आया है, पिछले क्वार्टर के अंदर जो आया था उसके मुकाबले यहाँ पे बढ़ के आया है, रेवेन्यू है वो भी बढ़ के आया है, प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे बढ़ के आया है, तो सारे तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन्स और एबिटा उनके तरीके से जो रिलायंस जियो है उसके रिजल्ट्स अच्छे खासे आए हैं। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के खुद के यहाँ पे रिजल्ट्स अभी आने में थोड़ा देर लग रहा है, लेकिन इसके भी रिजल्ट्स अच्छे खासे हैं। तो ये सारे रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपके पास तो आप फ्री में जाकर के डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।